हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का भारतपुर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ये आप सभी के लिए 10 मिनट शो की वीडियो है, जिसमें मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ भारत में प्रथम पुरुष से संबंधित जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आज एक ही वीडियो में आप सभी को कम्प्लीट कराने वाला हूँ, तो आइए आप सभी साथी हमारे साथ जुड़ जाएंगे इस वीडियो में 10 मिनट शो में। तो आइए चलिए प्रश्नों की हम और बढ़ते हैं। तो पहला ही प्रश्न अगर आपसे पूछता आपका है कि नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष, तो आप सभी को पता है कि नीति आयोग पहले क्या था, योजना आयोग। जब आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो योजना आयोग को समाप्त करके इसको जनवरी 2015 में बदल करके क्या कर दिया, नीति आयोग कर दिया, और इसके प्रथम अध्यक्ष ही वो खुद हो जाते हैं। कौन? पीएम यानी कि नरेंद्र मोदी जी। कौन हो जाएंगे ये? हमेशा इसके पीएम ही क्या हो जाएंगे, अध्यक्ष होते हैं। इस समय की बात करें तो कौन है, इस समय आपके नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी जी आपके इसके हो जाएंगे नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, और अभी भी है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया। कौन थे? अरविंद अरविंद पनगड़िया जी हो जाते हैं। कौन हो जाएंगे? अरविंद पनगड़िया। चलिए अगला बताएंगे कि आपका ये दो प्रश्न हो गए। अगला कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आप बताइए भारत का आपका प्रथम जो गवर्नर जनरल था वो कौन हो जाता है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक जी हो जाएंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। ये कौन है भैया बेंटिक जी? ये बेंटिक जी वही हैं जिन्होंने क्या किया था, सती प्रथा का समाप्त करने में आपके किसके, राजा राम मोहन राय का सहयोग किया था 1829 में। ठीक है, चलिए अगला आपका है चौथा वाला प्रश्न कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय कौन था, तो भारत का आपका अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अगला ये भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था बताइए, तो आपका भारत का जो है अंतिम वायसराय जो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। और माउंटबेटन योजना भी आपने सुनी होगी, जब आपका जो भारत पाकिस्तान अलग हो रहा था, जब भारत आजाद हुआ, यही था माउंटबेटन, इसी ने क्या किया था, जो है माउंटबेटन एक योजना होती है आपकी। ठीक है, चलिए आइए अगला देखते हैं। छठवां प्रश्न आपके लिए क्या है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका नाम क्या आएगा, सी राजगोपालाचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्या नाम आएगा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, इनको राजा जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजा जी भी बोलते हैं। अगला देखिए सातवां आपका, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो आपका जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति हो जाएगा वो कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। राजेंद्र प्रसाद जी थे, राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे कौन बताएंगे, आपके जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति की अगर बात करें तो बताएंगे उपराष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे आपके वो थे, जिनकी जयंती पे आप लोग क्या मनाते हैं, जिनकी जयंती आप लोग किसके रूप में मनाते हैं, टीचर्स डे के रूप में, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, राधा कृष्णन जी। इनके बर्थडे को किस रूप में मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था भैया, तो पीटी नेहरू जी थे। कौन थे? पीटी नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे ना। इनकी एक पुस्तक है, कौन सी पुस्तक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज, इनकी ही पुस्तक हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले में आपका 11वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, बताएंगे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री व आपके गृह मंत्री कौन है, तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे वो थे आपके कौन, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है ना, तो लौह पुरुष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इनको सरदार की जो उपाधि मिली थी वो बारदोली की महिलाओं ने दिया था। किसने दिया था? बारदोली की महिलाओं ने दिया था। और इनकी जयंती को एकता दिवस यानी कि यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है, और 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और इनकी ही जो आपकी स्टैचू है 182 मीटर, कितना, 182 मीटर आपके अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात के केवड़िया में स्थित है, और ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा हो जाती है। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट है। ठीक है, ये आपकी हो जाती है। ठीक है, चलिए लार्जेस्ट नहीं लिखेंगे भाई, लार्जेस्ट तो लंबा हो जाएगा ना, हाईएस्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हाईएस्ट हो जाएगा।
ये हो जाती है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। चलिए अगला आपका प्रश्न है कि भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो अबुल कलाम आजाद। कौन थे? अबुल कलाम, अब्दुल कलाम नहीं है ये अबुल कलाम जी है, तो अबुल कलाम आजाद जी आपके हो जाएंगे प्रथम शिक्षा मंत्री। भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे बताएंगे आप सभी लोग, तो भारत के प्रथम जो नौसेना अध्यक्ष थे वो थे आपके जो नौसेना अध्यक्ष वो हो जाएंगे आर डी कटारी जी। कौन हो जाएंगे? आर डी कटारी, इनका क्या नाम है? आर डी कटारी नाम है इनका, ठीक है। चलिए भारत का प्रथम थल सेना अध्यक्ष की बात करें, तो जो थल सेना वर्तमान, देखिए नौसेना अध्यक्ष की वर्तमान की बात करें तो एडमिरल हरि कुमार है। कौन है? एडमिरल हरि कुमार वर्तमान हो जाते हैं। अगला है आपका भारत का प्रथम थल सेना अध्यक्ष वर्तमान में मनोज पांडे जी है, और प्रथम की बात करें तो जो पहले चुने गए थे वो आपके हो जाएंगे थल सेना अध्यक्ष जनरल राजेंद्र सिंह। कौन? जनरल राजेंद्र सिंह, जनरल राजेंद्र सिंह ये हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जो हो जाएंगे तो जनरल करियप्पा। कौन? जनरल करियप्पा, जनरल करियप्पा जी क्या हो जाएंगे आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम, आपके 15 प्रश्न हो गए। अगला देखिए, ये बड़ा अच्छा आपके प्रश्न मैं लेके आया हूँ, ये वन लीनियर प्रश्न, बहुत कम समय में आपके प्रश्न हो जा रहे हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो आपके जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे कौन? गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें जीबी मावलंकर भी शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है, जीबी मावलंकर भी शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। चलिए वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष आपके ओम बिरला जी हैं। कौन है? ओम बिरला जी हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, 17वां आपका है कि भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो भारत का प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे आपके, तो वो थे आपके एच जे कानिया, हीरालाल जे कानिया, या फिर एच जे कानिया भी आप शॉर्ट में बोल सकते हैं, ठीक है, तो एच जे कानिया जी हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे बताएंगे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? बदरुद्दीन, बदरुद्दीन तैयब जी, तैयब जी हो जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएंगे। अच्छा एक और इसमें आपको बता देता हूं, अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूल थे। कौन थे? जॉर्ज यूल थे। चलिए अगला देखते हैं, भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे, प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक वो कौन हो जाएंगे बताएंगे, वो आपके हो जाएंगे सी वी रमन जी। कौन? सी वी रमन जी, इनको प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। आइए रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो आपके रमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे आचार्य विनोबा भावे जी। कौन थे? आचार्य विनोबा भावे, विनोबा भावे जी थे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे? रमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हो जाएंगे। चलिए 21 नंबर ये रहा, गोल्डन ग्लोब, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था बताइए, गोल्डन ग्लोब आपका ये अवार्ड जीतने वाले जो प्रथम भारतीय हैं वो कौन हो जाएंगे। चलिए तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हो जाएंगे ए आर रहमान, ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है, तो सिंगिंग के क्षेत्र में, यानी कि म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। ये किसको मिला है, तो ए आर रहमान जी को, ये पहले की बात हो रही है इस बात को ध्यान में रखिएगा, तो ए आर रहमान जी इनको दिया गया है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो प्रथम भारतीय है वो कौन है बताएंगे, तो प्रथम भारतीय आपके कौन हो जाएंगे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ये सबसे पहले प्राप्त करने वाले भारतीय हो जाएंगे, ठीक है। दिया तो 3 जन को गया था भैया, कितने लोगों को? 3 जन को। 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय में भारत रत्न को, जो आपका भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान होता है, इसको प्रारंभ किया गया था। उस समय आपके प्राप्त करने वाले 3 लोग थे, सी राजगोपालाचारी, राधाकृष्णन एंड सी वी रमन, थे 3 लोग प्राप्तकर्ता हो जाएंगे, ठीक है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक जो था वो बताइए, जो विदेशी नागरिक था वो कौन था, विदेशी नागरिक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, गफ्फार खान जी थे, ठीक है। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला देखेंगे 24 नंबर आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो आपका है ये किसको दिया गया, जी शंकर कुरूप को। किसको दिया गया है? जी शंकर कुरूप जी को दिया गया है, जी शंकर कुरूप को। 25 TCS की परीक्षा में सफल होने वाले जो पहले थे वो कौन थे, तो
तो पीसीएस की परीक्षा में सफल होने वाले पहले भारतीय थे आपके सत्येंद्रनाथ टैगोर जी। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर जी थे। चलिए और देखते हैं अगला। देखिए इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय कौन थी? वो कौन थे आपके बताएंगे तो मिहिर सेन जी थे। कौन थे? मिहिर सेन जी थे, जो कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय हो जाएंगे। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ने वाले कौन थे बताएंगे? तो बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाले थे वो कौन थे बताएंगे? तो शेरपा अंग दौरजी थे। कौन थे? शेरपा अंग दौरजी। ठीक है, ये ऑक्सीजन बिना ऑक्सीजन के चढ़ने वाले एवरेस्ट की चोटी पर फतेह करने वाले हो जाएंगे। ठीक है, एवरेस्ट आपको पता है कि सबसे ऊंची चोटी हो जाती है, जो कि कहां पे स्थित है? नेपाल में। ठीक है, और नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से। किस नाम से? सागर माथा के नाम से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 28 आपका प्रथम भारतीय पायलट कौन थे? तो प्रथम भारतीय जो पायलट थे आपके जेआरडी टाटा थे। कौन थे? जेआरडी, इनका पूरा नाम जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा। कौन है? जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा। तो ये हो जाएंगे जेआरडी टाटा, ये प्रथम भारतीय पायलट। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ब्रिटिश संसद का जो है सदस्य बनने वाला जो प्रथम भारतीय था आपका, वो हो जाएंगे कौन से? तो दादा भाई नौरोजी जी। कौन? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी थे ना, ये हो जाएंगे आपके ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय। आखिरी आपका प्रश्न है इस वीडियो का कि प्रथम सीडीएस कौन थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? तो वो थे जनरल बिपिन रावत। कौन थे? जनरल बिपिन रावत जी, जिनका तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर को क्या हो गया था? एक विमान दुर्घटना में क्रैश हो गया था विमान, जिसके कारण की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो आज आप सभी के लिए प्यार चाहती हूँ, ये 10 मिनट शो में ये महत्वपूर्ण मैं आप सभी के लिए कराया हूँ कि भारत में जो प्रथम पुरुष से संबंधित प्रश्न बनते हैं, मुझे जो अच्छा लगा, जो इंपॉर्टेंट लगा, वो मैं आप सभी को करा दिया हूँ। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप सभी लोग अपने साथियों तक शेयर करेंगे। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।